हर वक्त मेरिट की दुहाई देने वाले सवर्ण समाज के शिक्षित लोग किस कदर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, इसका अंदाजा आप हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों के साथ लगातार हो रहे उत्पीड़न से लगा सकते हैं। तथाकथित ऊंची जाति के प्राध्यापकों द्वारा हमारे छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना, उन्हें लगातार फेल करते रहना, क्लास के अंदर व बाहर जातिवादी टिप्पणियों द्वारा अपमानित करना, दलित और आदिवासी छात्र जीवन की ये कुछ ऐसी कटु सच्चाइयां हैं जिसका सामना उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले प्रत्येक दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। शिक्षा एवं ज्ञान को कुछ वर्गों तक सीमित रखना ही हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का मूल आधार रहा है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने अपने विशेष प्रावधानों के द्वारा दलित और आदिवासी वर्ग के लिए हजारों वर्षों से बंद शिक्षा का द्वार खोलकर एक लोकतांत्रिक एवं समानता पर आधारित भारतीय समाज के निर्माण की कल्पना की थी। किंतु हमारे शिक्षण संस्थानों में कब्जा कर बैठे हुए जातिवादी लोगों ने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कोताही न बरतते हुए सदैव ही हमारे छात्र छात्राओं के हितों का हनन किया है, जिसके फलस्वरूप हजारों दलित आदिवासी छात्र या तो शिक्षा से वंचित रह गए या अनेक बार असफल रहने पर निराशा और अवसाद में डूबकर आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने पर मजबूर हुए। पिछले कुछ वर्षों से दलित और आदिवासी छात्रों ने शिक्षण संस्थानों में व्याप्त जातीय उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होकर एक कड़े संघर्ष की शुरुआत की है, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली के हमारे छात्रों ने सन 2006 में किए अपने सशक्त आंदोलन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया था। इस आंदोलन की सफलता इसी बात से आंकी जा सकती है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार शिक्षण संस्थानों में व्याप्त जातीय उत्पीड़न की जांच करने के लिए भारत सरकार को मजबूर होकर सितंबर 2006 में तत्कालीन यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुखदेव थोराट के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन करना पड़ा। प्रोफेसर थोराट कमेटी ने लगभग 8 महीने चली अपनी जांच के बाद भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए एम्स में दलित और आदिवासी छात्रों पर हो रहे जातीय उत्पीड़न की भयावह स्थिति का खुलासा किया। अपनी जांच में कमेटी ने पाया कि जहां एम्स के प्राध्यापक दलित और आदिवासी छात्रों को हीन दृष्टि से देखते हुए विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, वहीं तथाकथित ऊंची जाति के सहपाठी भी हमारे छात्रों का उत्पीड़न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो खेलकूद का मैदान हो या हॉस्टल की मेस। जांच के दौरान कई दलित और आदिवासी छात्रों ने थोराट कमेटी को बताया कि किस प्रकार उच्च जाति के उनके सहपाठी मारपीट करके उनको अपने हॉस्टलों से बेदखल कर एक विशेष हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर करते रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी एम्स के प्रशासन को होते हुए भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एम्स जैसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में इस कदर व्याप्त जातिवादी जहर को देखते हुए
थोराट कमेटी ने इसके प्रशासन को पूरी तरह से इसका जिम्मेदार ठहराया एवं इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार के सामने कई सारी रिकमेंडेशंस भी रखी थी। किंतु आज 6 साल बाद भी एम्स के जातिवादी प्राध्यापकों और छात्रों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान अगर एम्स में कुछ हुआ तो वो थी 2 मौतें। पहले 3 मार्च 2010 में एक दलित छात्र बाल मुकुंद भारती ने जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर अपने MBBS के अंतिम वर्ष में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी और 2 वर्ष बाद ठीक उसी दिन 3 मार्च 2012 को ही एक अन्य आदिवासी छात्र अनिल कुमार मीणा ने भी पंखे से लटककर अपनी जान की आहुति दी। एम्स से सटे हुए दिल्ली के एक और प्रतिष्ठित कहे जाने वाले वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज की तस्वीर भी उतनी ही भयावह है, जहां पिछले 3 सालों से दलित और आदिवासी छात्र छात्राएं अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यहां तक कि कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले कई सालों से बहुत से दलित आदिवासी छात्रों को सिर्फ एक विषय फिजियोलॉजी में मात्र 1 या 2 अंकों से फेल कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इन छात्रों की पीड़ा को संज्ञान में लेते हुए अपनी निगरानी में परीक्षा करवाई तब सभी छात्र पास हो गए। इससे ये साफ पता चलता है कि इस कॉलेज का प्रशासन किस कदर जातिवादी होकर हमारे छात्रों को जानबूझ के फेल कर उनकी जिंदगियों से खेलता रहा है। आखिरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी दलित छात्रों के साथ इस मेडिकल कॉलेज में हो रहे अमानवीय व्यवहार पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पिछले साल जुलाई में राज्यसभा मेंबर और मुंबई यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर भालचंद मुंगेकर के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने अभी लगभग 2 माह पूर्व 6 सितंबर 2012 को 1 साल से ऊपर चली अपनी जांच की रिपोर्ट आयोग को सौंपते हुए वर्धमान मेडिकल कॉलेज में दलित छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को पूरी तरीके से बेनकाब किया। वर्धमान मेडिकल कॉलेज के खिलाफ शिकायत आई कि वो दलित छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। उनको जब जबरदस्ती जेल के अंदर 2004 से 2009-10 के बीच में 35 शेड्यूल का स्टूडेंट MBBS ज्वाइन किया, उनको बार बार फेल किया गया सिर्फ एक सब्जेक्ट में, फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में, और उनको बार बार कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ 35 स्टूडेंट जो वर एडमिटेड फॉर द फर्स्ट MBBS ड्यूरिंग 2004-2009 डिफरेंट बैचेस, 25 स्टूडेंट्स कंटिन्यू टू फेल इन वन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिन की फिजियोलॉजी एंड द अटेम्प्ट दैट दे हैड टेकन वेरी मिनिमम 4 मैक्सिमम 4 डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर पासिंग इन अदर सब्जेक्ट। व्हेन एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर द एग्जामिनेशन वॉज ऑर्डर इट वॉज हेल्ड इन द आर्मी कॉलेज सेक्रेट कॉलेज अंडर द कोर्ट सुपरविजन आउट ऑफ 25 14 स्टूडेंट्स पास। दिस मीन्स आई एम श्योर दैट हैड दे अपीयर फॉर द सेम सब्जेक्ट इन द सफदरजंग हॉस्पिटल और वर्धमान मेडिकल कॉलेज इटसेल्फ द इंसिडेंस कन्विंसेस मी टू आर्ग्यू दैट दे वुड हैव अगेन फेल्ड इन ऑफ द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स हैव गिवन अप द स्टडीज आफ्टर। प्रोफेसर मुगेलकर ने जांच में पाया कि किस तरह वर्धमान कॉलेज ने दलित आदिवासी छात्रों को फेल करने के सभी बंदोबस्त कर रखे हैं। इम्तिहान की पुस्तिकाओं की जांच के वक्त विद्यार्थियों की पहचान छिपाने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर विशेष प्रकार की कोडिंग की जाती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को खोज लेने के अपने ही तरीके निकाले हुए हैं ताकि उन्हें चिन्हित किया जा सके और फेल किया जा सके। प्रोफेसर मुगेलकर इसी विषय में कहते हैं, another horrifying thing is when the examination numbers are codified, students are given number on the basis of class. When
when the schedule the students are attending for scheduled drives, they are having separate classes for counseling, because counseling required for scheduled class and scheduled drives. And so once counseling is over, they will abolish these code numbers. The same numbers are continued for KVM practical continuously. For example, 1 to 2 scheduled class, 1 to 10 scheduled class, 11 to 20 scheduled drives, 21 to 30 OBCs, and 31 to 40 general category students. That the coding has no meaning at all, because you know that social background of the students, and we want to play the mischief, we can very well play. 120 पेज की अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने दलित और आदिवासी छात्रों के सभी आरोपों को सही मानते हुए उनके साथ हो रहे जातिवादी उत्पीड़न की न केवल कड़ी आलोचना की बल्कि इस मेडिकल कॉलेज के चार प्रोफेसरों को इसका दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से की। Second, Dr. Shobha Das, Head and Director of the Physiology Department. Third, Dr. Raj Kapoor, who is a Professor of Physiology Department, and he was supposed to act as the liaison officer for the SD system. And fourth, the present Dr. Bhattacharya, who is the present principal. लेकिन इस रिपोर्ट को सार्वजनिक हुए दो महीने से ऊपर होने को आए किंतु अभी तक न तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने न ही भारत सरकार ने दलित आदिवासी छात्रों को न्याय देने की किसी भी प्रकार की कोई पहल की है और इन छात्रों का उत्पीड़न इस मेडिकल कॉलेज में अभी भी जारी है। प्रोफेसर मुंगेकर कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू करवाने तथा महावीर मेडिकल कॉलेज के दलित आदिवासी छात्रों के हितों के लिए 19 अक्टूबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, एम्स और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के तमाम छात्रों ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के संघर्षरत दलित आदिवासी छात्रों के साथ मिलकर उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे जातिवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।